इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्लविका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा, माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू सेजल, अंशिका समीक्षा, खुशी लिपि, गहना अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश, पुत्र पुत्र वधु श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता, माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। पूना चातुर्मास समिति के स्वागत अध्यक्ष सुरेंद्र गांधी जी, उनके साथ कुंथल गिरी के और सांगवी मंदिर के, पूना के, बिहार के सभी जितने साथीगर पधारे हैं उनसे निवेदन है, आप आए, तीन लोग ऊपर मंच पर जाएं और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें, आपका निवेदन। नीचे से सभी लोग बाकी तालियां बजाकर नीचे से नमन करते हुए ऐसा सौभाग्य से सभी लोग नीचे से रहेंगे, सिर्फ तीन लोग मंच पर जाएंगे जिनको भी जाना है, पुनः समाज की ओर से शास्त्र वहां है, हाँ पहुंच गए जिनको, आप लोग नीचे से, हाँ आप लोग, हाँ जहां पर पांच पांच महाराज जी, छल्लक महाराज जी विराजमान है उस पूना नगरी से आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, शीघ्रता से, हाँ जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, संग जिनवाणी माता की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चले, पूना से पधारे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री रतनलाल जी कटारिया ब्यावर परिवार राजस्थान से, आपने भी चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में शीतल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें, आप सभी से निवेदन, हाँ हेलो इसको ठीक करो। बेंगलोर इसको कम करो जब ठीक होगा, कुछ नहीं। बेंगलोर कर्नाटक समाज से
जितने श्रावक आए हैं सभी अपने हाथों उठाकर, 100 श्रावक आए हैं छत्तीसगढ़ में, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और निवेदन है। आचार्य भगवान के चरणों में से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं आप। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी के लिए 2 सीढ़ियों के माध्यम से शिला 21,000 की 2 शिलाओं के माध्यम से 100 भाग तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी 2 व्यक्ति आ जाएं आचार्य भगवान के कर कमलों में, ससंग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। पूरी समाज से 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं जो भी आना चाहती हैं आ जाएं आपकी तरफ से। बेंगलोर कर्नाटक समाज 2 व्यक्ति आ जाएं, 2 महिलाएं 2 पुरुष, आपकी तरफ से भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य। आरिका माँ पूज अनुभवमती माता जी, आरिका माँ पूज परमार्थमती माता जी, श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पूर्वा जबलपुर की तरफ से क्षमावाणी हुई है, वहां से उपस्थित हुए हैं, कार्ड लेकर आए। आप भी आचार्य भगवान के ससंग कर कमलों में, ससंग चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आहुरा नगर सूरत जैन समाज अपने स्थान से खड़े होकर नमन निवेदित कर सकती हैं। हाँ, सिर्फ 2 लोगों को जाना है, इतने लोगों को नहीं जाना है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, अशोक जी परिवार सागर से हैं, आप नाथुराम जी, अशोक जी आपने चंद्रगिरी में 1 प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी थी, तालियां बजाकर अनुमोदना। सागर कमेटी से सागर जैन समाज आई है, आप भी आए आचार्य भगवान के ससंग सी चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शेष सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। आप सभी से निवेदन, तुम कुछ मत, तुम गाना गाओ। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। सुशील कुमार जी खतौली मुजफ्फरनगर, वहां से जितने लोग आए हाथ उठाकर नमोस्तु निवेदन, बहुत बढ़िया, चंद्रगिरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अध्यक्ष सुशील कुमार जी खतौली मुजफ्फरनगर, क्या करें क्या करें, कुछ मत बोलो, तुम बोलना इधर उधर। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले तेरे बिन कौन संभाले। जो महानुभाव श्रीफल चढ़ा रहे हैं उनसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करते चलें शीघ्रता से। भैया खड़े नहीं रहने वहां पर, शीघ्रता से बैठते चलें। सागर जैन समाज जहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां के अध्यक्ष मुकेश धाना जी अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ पधारे, तालियां बजाकर उनका चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर अभिनंदन है, स्वागत है। श्री कपिल जी जैन, प्रीति जी जैन जो कोटा राजस्थान से पधारे हैं, अपने राजस्थान में जैन समाज का जो भी काम होता है, ओम प्रकाश जी बिड़ला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में तालियां बजाकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप आए आचार्य भगवान के ससंग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कपिल जी जैन, प्रीति जी जैन, आप संयुक्त रूप से आए और साथ में मैं आवाज दे रहा हूं
छत्तीसगढ़ शासन के श्री किशन खंडेलवाल जी जो खादी ग्राम उद्योग के सदस्य हैं आज आचार भगवान के दर्शनार्थ चंद्रगिरी तीर्थ पर पधारे हैं। श्री किशन खंडेलवाल जी आप भी ऊपर से आचार भगवान के सत्संग कर कमलों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री किशन खंडेलवाल खादी ग्राम उद्योग छत्तीसगढ़ शासन। अलवर जैन समाज अनिल जी मगन जी कुशल जी पवन जी आपने चंद्रगिरी मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दान की अनुमोदना, तालियां बजाकर दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सुरेंद्र जी गांधी जो पूना चातुर्मास कमेटी है पूरी आपकी तरफ से आचार भगवान के चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। आप भी आए आचार भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वर्धमान महिलाएं नहीं सिर्फ दो पुरुष आएंगे जिनकी वर्धमान कॉलोनी सागर सकल दिगंबर जैन समाज पंच कल्याण के आशीर्वाद के लिए श्रीफल चढ़ाने यहाँ पर उपस्थित हुई है। सभी लोग का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी चलते हैं आचार भगवान की सामूहिक पूजन की ओर और आचार भगवान द्वारा रचित हाइको जो जापानी छंद होता है उस पर आचार भगवान द्वारा पुस्तक लिखी गई है वह उनको शांत करो। वो पुस्तक चल चरखा हथकरघा केंद्र यहां पर उपस्थित है। रियायती दरों पर एक बार तालियां बजाइए। आचार भगवान की पुस्तक हाइको के माध्यम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं उस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई है जो शरद पूर्णिमा 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है। दशहरा से शरद पूर्णिमा तक आयोजित है। हर कोई उसमें महिला पुरुष बच्चे सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं जो www.vidyasagar.guru पर और विद्यासागर मोबाइल ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध है। सभी लोग हिस्सा लें। आचार भगवान की हाइको कंपटीशन 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक विशेष आकर्षक पुरस्कार उसमें रखे गए हैं। आचार भगवान के आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता आयोजित है। सभी तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी सामूहिक आचार भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी हो गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव कृपा करो सब पे गुरुदेव। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव कृपा करो सब पे गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गले। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए रिदली। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सट आवानन। जय हो जय हो अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। ना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापा ने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। विद्यासागर मनिंद्र आए संसार ताप विनाश ना है चंदन पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए अक्षय पर प्राप्त आए स्थान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। स्वाद आचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए काम भाव विध्वंस नाए पुष्पम निर्पामिति। इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया नाता जोड़ लिया आपसे नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए छुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाति से मम अंतर दीप जला देना। स्वादाचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबर पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए अष्टकम दहनाए धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। स्वादाचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा हल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता रिष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग। स्वादाचार्य विद्यासागर मनिंद्र आए जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति।
हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, पूज्य निरापक समर्थ के चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान अपनी अमृत में वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वज्रायाणम नमो लोई सभ्य साहूणम अहिंसा परमो धर्म की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचित आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजने आपक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कभी लोहार से काम पड़ता है, कभी लोहार से काम पड़ता है और कभी सुनार से काम पड़ता है। ध्यान से सुनना, कभी लोहार से काम पड़ता है तो कभी सुनार से काम पड़ता है, तो कभी नगद से काम करना पड़ता है तो कभी उधार लेने से बहुत माहिर हैं, तो कभी नगद से काम करना पड़ता है तो कभी उधार से काम करना पड़ता है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये हमारा अहम भाव है, ये हमारा अहम भाव है, हमारी गलती हमारी मूर्खता है कि हमको किसी से जरूरत नहीं है। जो संसार में रहता है उसे संसार से काम पड़ता है, उसे संसार से काम पड़ता है। इसलिए हे भव्य प्राणियों, हम सब संसार में रह रहे हैं तो संसार से काम तो पड़ता ही है। अब इस भाव को लेकर के आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा हाइको लिखा है, 645 हाइको गुरु जी ने लिखे हैं जो पुस्तक में प्रकाशित हैं और बिना प्रकाशित बहुत से हैं। तो उसमें एक रत्न है, वह रत्न हम आपको बता रहे हैं, वह हाइको बता रहे हैं कि बड़ तूफान में, बड़ है ना बरगद का पेड़, बड़ तूफान में शीर्षासन लगाता बैंत झुकता। जब तूफान आता है तो उसमें जो झुक जाता है बैंत आदि, तो वह सुरक्षित रहता है। और जो अहम भाव में खड़ा रहता है वह क्या हो जाता है, शीर्षासन। जानते क्या कहलाता है, देखो आचार्य महाराज कितनी गहरी दृष्टि है कि आपको ज्ञान की बात भी मिल जावे, आध्यात्मिक की बात मिल जावे, धर्म की बात मिल जावे और योग की बात भी मिल जावे। शीर्षासन एक योग कहलाता है जिसमें सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर हो जाते हैं। जब तूफान चलता है तो बड़े बड़े जो पेड़ बरगद के कहलाते हैं, बरगद पेड़ कहलाता है, वह उसमें अड़ा रहता है तो उसको भी उल्टा होना पड़ता है, मतलब शीर्षासन लगा लेता है, उसकी जड़ उखड़ के ऊपर उड़ जाती हैं, उसका सिर जो ऊपर का वह नीचे हो जाता है। यही अहम भाव कहलाता है। देखो गुरु महाराज जी ने हाइको में कितनी अच्छी बात लिखी है कि तुम भी अहम भाव करोगे तो बरगद के पेड़ के जैसे शीर्षासन लगाने लग जाओगे, और यदि मार्दव भाव मृदुता का भाव रखोगे, थोड़ा झुक जाओगे, काम चल जाएगा, तूफान निकल जाएगा, फिर से आप सीधे खड़े हो जाओगे। इसलिए जैन दर्शन कितना प्रधान दर्शन है, यहाँ पर लघुता से प्रभुता बनने की बात कही है, लघुता से प्रभुता बनने की बात कही है। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, सुनना, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कमेटी वाले आए हैं, जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं वो समझ लेना अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, समझ लेना धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। और जो ऐसा सोचता है, जब तूफान आता है, कर्मों का रेल आ जाता है, रेला आता है, बहाव में अच्छे अच्छे बह जाते हैं। अभी लोगों ने बताया सिक्किम में ऐसी घटना घटी, एक दिन बस की बात है, कुल 20-15 घंटे बस पानी बरसा, एक दिन में, एक रात में टोटल कितने में 12 इंच वर्षा हुई। जवानों के जो भारतीय सैनिक थे, जो देश की रक्षा के लिए अपने वहां पर तैनात थे, कैंप में थे, ऐसे वह पूरा कैंप का कैंप बह गया। जो पुल निर्माण हो रहे थे वो पूरे पुल बह गए, वो जो पुल को बनाने वाले
जो श्रमित वर्ग थे वो भी बह गए, पता नहीं चला, हजारों लोग बह गए उस समय। इंसान की बात है, कितने पशु बह गए, कैसे प्रकृति की आपदा ऐसी होती है कि उसमें किसी का बस नहीं चलता है। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो अड़े रहते हैं वो बह जाते हैं, छिसन रखते हैं। इसलिए कभी उधार में कभी नगद में काम करना पड़ता है तो कभी उधार से काम करना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमको सिर्फ लोहा लोहा से काम करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है सुना से भी काम करना पड़ता है। और सुना जो होता है वो 100 बार ठोकर लगाता है, फिर बाद में 1 बार टांका लगाता है। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, ये भी आपने कहा बस सुनी है। इसलिए संसार में रहना है तो संसार के लोगों से काम चलाना पड़ता है। अब वर्तमान में ऐसी ईर्ष्या भाव, ऐसी स्वार्थ वृत्ति आ गई है कि जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में हम रहते हैं, उस फ्लैट में सामने वाले में कौन रहता है पता ही नहीं चलता है। जैन है कि अजैन है, देसी की विदेशी है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जब कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब पता चलता है, अच्छा ये तो बाजू में रहता था, ये पता चलता है। उसको सुख दुख में क्या परेशानी है, कुछ भी लेना देना नहीं रहता हमारे लिए। विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति यही कहती है कि नहीं, हमको सबसे काम पड़ता है, लघु बनो, लघु से ही प्रभु बना जाता है। लघु से राघव होए, कंस बिना भी पांडव विजयी पांडव हो, ऐसा गुरुजी ने दोहा लिखा हुआ है। कि देखो विपक्ष में कर्ण था, बहुत बड़ा कहा जाता, दानवीर कर्ण कहा जाता और बहुत बड़ा धनुर्धारी कहा जाता है, कुंती पुत्र पांडव प्रथम पांडव कहलाता है। लेकिन इसके बाद भी वह कौरव लोग हार गए और पांडव के पक्ष में कर्ण जैसे वीर नहीं भी थे, द्रोणाचार्य जैसे वीर भी नहीं थे, ऐसे पिता भी नहीं थे, इसके बाद भी पांडव जीत गए। और उन्होंने महाभारत के युद्ध बस नहीं जीता बल्कि उन्होंने अपने कर्मों को भी जीत लिया। ऐसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जो कि युद्ध में पछाड़ते थे, महायुद्धा कहलाते हैं, जो सबको पछाड़ते थे, जब दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली, आत्म साधना करने लगे, उनके गले में गरम गरम ऐसे आभूषण पहनाए गए, इसके बाद भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। रघु से राघव हो, विजयी पांडव हो, और उन्होंने कर्मों को जीत करके ऐसे दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके उन्होंने अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि को पद को प्राप्त किया। और उनके दो छोटे भाई नकुल सहदेव हैं, उसको विकल्प हो गया, उसे सर्वास सिद्धि गए हैं, भविष्य में आकर के वो भी ऐसे भगवान प्रभु बन जाएंगे। इसलिए शीर्षासन लगाना तो अच्छा माना जाता है, स्वस्थ अवस्था में माना जाता है। यदि आपका, यदि आप अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो आसन में सुखासन है, पद्मासन है, सर्वासन है, शीर्षासन है, कूर्मासन है, ये आप लगाइए, स्वस्थ हुइए। योग के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है। जब अध्यात्म में हम योग लगाते हैं, रहते हैं, तो हमारी आत्मा स्वस्थ होती है। तो ऐसे हमको स्वस्थ रखने के जो हाइको आचार्य दिए हैं, जिसका आपको लाभ लेना है, और संचालक ने आपको बताया है कि 24 से 28 अक्टूबर तक वेबसाइट है आचार्य श्री के नाम, आचार्य श्री के नाम से, 2017 में बनी थी, उसमें 90,000 पेज हैं। ऐसी आप वेबसाइट, यदि आप है रोज 5-6 घंटे भी पढ़ोगे तो 20 साल तक पूरी पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे उसमें आचार्य श्री के 55 वर्षों के प्रवचन, हाइको, दोहा और जितनी भी रचनाएं हैं, सब कुछ उसमें है। इसलिए उसका उपयोग करके अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। यहाँ वहाँ की बातें खूब करते रहते कि बाढ़ साहब में क्या आया, यहाँ क्या वहाँ किया, तो डिलीट करते रहते हो और मंगाते रहते हो, उंगली खिसकाते रहते हो। उंगली के साथ साथ में आज अपने कर्मों को खिसकाना भी चाहते हो, क्यों जान साहब, खिसकाना चाहते कर्मों को भी ना। तो इस स्वाध्याय के रूप में गुरु जी ने जो अध्यात्म, धर्म और नैतिक और योग की बात बताई है, उनको हम जानें, समझें और अपने कर्मों को भी खिसकाने का प्रयत्न करें।
बोलो अहिंसा परमो धर्म। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज आप लोगों ने तत्पार सूत्र के छठे अध्याय का विषय को छूते हुए एक घंटे से भी ज़्यादा उत्साह के साथ समय का उपयोग किया। इसमें एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन का महत्व है, सम्यक ज्ञान का भी उतना ही महत्व है, सम्यक चारित्र का भी महत्व है। सम्यक पंच ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन एक प्रकार से देवायु के बंध के लिए भी अनिवार्य कारण होता है। ऊपर चढ़ जाता है तो वह आयु का बंध ही नहीं करता है, किंतु अकेला भी यदि सम्यक तो है तो भी वह देवायु का ही बंध करेगा, इसलिए उसका पृथक रूप से विवेचन किया गया है। च से यह भी लिया जाता है कि वह जब देवायु का बंध ही करता है तो इतना पर्याप्त था, इसको पुनः क्यों लिखा? तो आचार्यों ने यह कहा कि देव देवास्तत्रिकाया है, देव चार प्रकार के हुआ करते हैं, तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क इनमें न जा करके केवल कल्पवासी देवों में ही उसका आश्रय बंद होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 16वें स्वर्ग तक भी बिना व्रत के भी आरंभ के भी हुति त्याग नहीं करते हुए भी वह 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाता है, जो कल्पवासी देवों के ही विकास सोपान माने जाते हैं। अन्य देवों में क्यों नहीं होता है? तो आचार्य कहते हैं अन्य देवों में वह इसलिए नहीं जाता कि तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ से प्रारंभ भले कर दे लेकिन बाद में उन देवों में वह जा ही नहीं सकता, किंतु कल्पवासी देवों में ही जाता है। तो कल्पवासी देव कहाँ तक होते हैं, कैसे होते हैं? यह 16 तक ही इसका निर्माण किया गया। ऊपर अहमिंद्र होते हैं, उनमें वह अकेला नहीं जा सकता, अकेला का अर्थ अवृत दशा में नहीं जा सकता। सोचो, विचार करो कि अवृत दशा में रह करके भी सम्यक दर्शन जो पालता है उसके लिए बहुमान देने वाला वह स्वर्ग जो कल्पवासी देवों में ही उत्पन्न कर देता है। वह थोड़ा सा आप लोगों के लिए अटमट सा भी लगता होगा, और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन के द्वारा केवल बंध ही मानते हैं अथवा बंध निर्जरा ही मानते हैं, उनकी ये गलती है। वह दर्शन विशुद्धि इत्यादि के भावों से वह तीर्थंकर आदि उच्च कोटि के प्रकृतियों का भी बंध होता है, उससे यह निर्धारित होता है।
और सम्यक दर्शन इत्यादि कभी थोड़ी सी मलिनता आने से अवधि ज्ञान का विकास हो करके भी अवधि ज्ञान का अपकर्षण भी होता हुआ देखा जाता है। मनप्पर ज्ञान की भी जो उन्नति न हो करके उसका भी अपकर्षण हो सकता है और संक्लेश परिणाम यदि जुड़ जाता है तो उसके सम्यक दर्शन तारीख में दोष भी लग जाते हैं। किंतु यह ध्यान रखे सम्यक दर्शन अकेला भी वहाँ तक ले जाने में कारण होता। आज इतना ही पर्याप्त है क्योंकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए देवायु का अर्थ अभी हरेक देवायु में नहीं किंतु वह एक प्रकार से अनिवार्य रूप से देवायु है वो और उसमें उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा उमा स्वामी महाराज जी का भाव है अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश श्रीमती बीना बड़जात्या श्री सुरेश कुमार श्रीमती तारा बड़जात्या श्री पीयूष श्रीमती पल्विका बड़जात्या श्री सिद्धार्थ श्रीमती मीनू बड़जात्या श्री आतिश श्रीमती चांदनी बड़जात्या आयुष निलय सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मोहित जैन श्रीमती स्वाति जैन पुत्र एवं पुत्र वधु श्री दिवांशु जैन श्रीमती नम्रता जैन पौत्र एवं पौत्री अवीर परिशी मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले श्रीमती मीनाज अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर श्री धन्ना भाई बेटी लाल जैन पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर श्रीमती स्वाति पीयूष जैन मास्टर दर्श जैन मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन श्री सुनील जैन श्रीमती सीमा जैन श्री संजीव जैन श्रीमती अंजू जैन श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती कविता जैन श्रीमती रिंकी जैन श्री मनीष जैन पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन श्री आयुष जैन दिवाकर सागर मध्य प्रदेश शानू सेजल अंशिका समीक्षा खुशी लिपि गहना अतिशय मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स महावीर स्टील महावीर ज्वेलर्स श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्र वधु श्री अजीत पांड्या श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेनसर निवासी फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश।